आप सभी का स्वागत है दोस्तों चैनल रणभूमि मैथ्स पर। दोस्तों आज का जो ये टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर श्रेणी पर। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको एपी पढ़ाया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आज उसी वीडियो का ये दूसरा पार्ट है जिसे कहेंगे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी। दोस्तों इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आइए चलते हैं, हम लोग पहले जानते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी कहते किसे हैं। तो देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, एपी में जैसे मैंने पढ़ाया था कि कोई भी दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा वो समान होते चला जाएगा, जिसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे कि मैं कह दूं ये 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके अगर मैं आगे बढ़ू तो देखिए सभी में दो दो का गैप है, तो इसे मैं एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी कहूंगा या हम लोग इसे कहते हैं। मगर गुणोत्तर श्रेणी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है दोस्तों, इसे ही देख लीजिए, 2, 4, 8, 16, 32 डॉट डॉट आगे बढ़ते जा रहा है। अब दोस्तों हुआ क्या, तो ये देखिए, ये तो था एपी जिसमें समांतर यानी समान अंतर होते जा रहा था कोई भी दो पद में, मगर जीपी में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, देखिए किसी एक खास संख्या से उसे या तो गुणा करना है या तो भाग करना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए बढ़ते क्रम में है यानी कि गुणा हो रहा है, तो देखिए 2 से 4 हुआ, 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 में 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 में 2 से मल्टीप्लाई किया 16, 16 में 2 से मल्टीप्लाई किया 32, ऐसे करके बढ़ता जा रहा। तो सर्वानुपात यानी सभी जगह अनुपात कॉमन रेशियो क्या हो रहा है दोस्तों, 2 का ही हो रहा है, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये जीपी श्रेणी में है यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ठीक इसका उल्टा अगर ले लें दोस्तों, देखिए 32 फिर 16 फिर 8 फिर 4 फिर 2 ऐसे करके हम अब डिवाइड कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर हमने डिवाइड किया है 2 से, फिर देखिए डिवाइड किया है 2 से, फिर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो 2 से ना करके दोस्तों मतलब 1/2 से यानी गुणा किया है 1/2 से, या देखिए हाँ दूसरा पद बटे में पहला पद, यही होता है कॉमन रेशियो, तो 16/32 यानी 1/2 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए दोस्तों 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी अगर हम 1/2 करते हैं तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऐसे करके सीरीज आपका बढ़ता जाएगा, तो इसे भी हम कहेंगे जीपी, यानी कि दोस्तों एक खास रेशियो से सब आगे आने वाली संख्याओं में अगर हम गुणा करें या भाग करें तो दोस्तों वो क्या, कौन सी श्रेणी कहलाएगी, जीपी कहलाएगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। बस इतना सही तो हमें जानना था। अब आइए मैं बिल्कुल बेसिक आपको फॉर्मूला बताता हूं और उसके बाद धुआंधार क्वेश्चन भी करवाता हूं। तो देखिए दोस्तों अगला जो ये टॉपिक है, जो फॉर्मूला है उसे अच्छे से समझिए। कहा गया एक जीपी के एनवा पद मतलब 2, 4, 6, 4, 8, 16, 32 ऐसे जा रहा, कहा जाए कि इसका 32वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा, तो इसका कोई भी एनवा पद निकालने का बहुत दोस्तों फॉर्मूला बहुत जबरदस्त है। टीएन इक्वल टू हम लिखेंगे ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन। अब मेरे बच्चों ये क्या है, आर टू द पावर एन माइनस वन ये क्या है मेरे दोस्तों, इसे समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले ए यानी के फर्स्ट टर्म दोस्तों, जैसा कि आपने एपी में पढ़ा है हमसे ऑलरेडी, R का मतलब होता है कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो यानी कोई भी दो पदों के बीच में कितना का अनुपात है यानी दूसरा पद बटे में पहला, और N का मतलब हो गया यही एनवा पद मेरे दोस्तों। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, टी एन इक्वल टू ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन, ये बहुत ही कॉमन सा फॉर्मूला है, इसे अच्छे से याद रखिएगा। आइए दोस्तों देखिए जीपी के एन पदों का योग, ये बहुत जबरदस्त चीज है दोस्तों, ये अच्छे से समझिएगा, यानी आपको कह दिया जाएगा कि एक जीपी सीरीज दे दी जाएगी और कहा जाएगा इसके 25 पदों का योग बताइए, 20 पदों का योग बताइए, जैसा कि एपी में था उसी प्रकार ये भी फॉर्मूला हो जाएगा, एस एन इक्वल टू ए इंटू आर टू दी पावर एन, और इसके बाद मेरे बच्चों यहाँ माइनस वन बीच में होगा, याद रखिएगा पावर में नहीं, बस यही थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, पूरे का बट्टा में हो जाएगा R माइनस वन, आर माइनस वन। ये कब होगा मेरे बच्चों, जब R का मान यानी कॉमन रेशियो जो होगा कोई भी दो पदों के बीच का अनुपात अगर वो 1 से बड़ा होगा तब ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। मगर दूसरी ओर दोस्तों अगर मान लीजिए कि यहाँ पर R का मान अगर 1 से छोटा है, मान लीजिए 0.5 हो गया, 1/2 हो गया यानी 0.5, या 1/3 हो गया यानी R का मान 1 से छोटा हो जाए, तब ये फॉर्मूला लगाने से काम नहीं चलेगा, इसमें बस थोड़ा सा चेंज कर देना, देखिए ए इंटू वन माइनस आर टू दी पावर एन कर देना यानी उल्टा कर देना क्योंकि 1 से छोटा होगा, अब बटे में कर देना दोस्तों 1 माइनस आर,
आ गई बात समझ में। तो देखिए यहाँ पर जीपी सीरीज में सम का दो फॉर्मूला हो गया, जब आर आपका एक से बड़ा रहेगा तो ये फॉर्मूला, और जब आर आपका एक से छोटा रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगा देना है। आगे बात समझ में दोस्तों, आइए एक फॉर्मूला और है उसे भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों बहुत ही मजेदार चीज है, जीपी के अनंत पदों का योग, यानी कि मान लीजिए आपको एक श्रेणी दे दी जाए जो अनंत तक जा रही है, यानी इन्फिनिटी तक, मान लो 2+4+8 ऐसे करके अगर आपको दे दिया जाए, तो इसके अनंत पदों का योग अगर आपसे पूछा जाए मेरे बच्चों, तो आप क्या करोगे? तो याद रखना एस समेशन अनंत यानी इन्फिनिटी पदों का होता है फॉर्मूला ए बटे में सिंपल हमें 1-r कर देना है। क्या करना है मेरे बच्चों? सिंपली हमें ए बटे में 1-r कर देना है। ये अनंत पदों का योग का फॉर्मूला हो जाता है मेरे भाई, इसे अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए अगला टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है मेरे बच्चों? ज्योमेट्रिक का मीन का मतलब होता है गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य का मतलब क्या होता है? मान लीजिए मेरे दोस्तों तीन संख्याएं मैंने आपको दी है, ये सभी किसमें है दोस्तों? जीपी में है, जीपी श्रेणी में है ए बी सी। तो ज्योमेट्रिक मीन यानी ये जो बी होगा वो क्या होगा दोस्तों? वो बी, ये बी बराबर ऑलवेज होगा पहले और तीसरे वाले का गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होता है। बस सिंपल सी चीज है, ये आपको याद रखनी है कि कोई भी तीन संख्या अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, और अगर उसका मीन आपसे पूछा जाए, माध्य पूछा जाए, तो आपको पहले और उसके आखिरी वाले को दोनों को गुणा करके वर्गमूल निकाल दीजिए, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। इस पर आधारित बहुत ज्यादा आरआरबी और एसएससी में बहुत ही स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। आइए दोस्तों अब अगला टॉपिक है गुणोत्तर श्रेणी में क्रमों के क्रमागत पदों का चयन कैसे करना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आइए मैं बता देता हूं। तो देखिए दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आज इस वीडियो में पूरा का पूरा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। देखिए दोस्तों तीन पदों का चयन, यानी अगर कोई सीरीज जीपी में है और आपको वो संख्याएं न दी जाए, अगर आपको मानकर बनाना पड़े, तो ऐसे सवालों में दोस्तों हमें पदों को मानना पड़ता है। तो जब तीन पद रहेंगे दोस्तों तो कैसे मानेंगे? तो देखिए दोस्तों पहला पद आप मान लीजिए ए बटे में आर है, ए यानी कि पहली संख्या और आर यानी कि कॉमन रेशियो। तो अगर पहला पद a बटे r है, अब हमें इसमें गुणा करके r को गुणा करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि r ही तो कॉमन रेशियो है। तो a बटे r में अगर मैं r से गुणा करूं तो r कैंसिल, तो अगला पद क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। फिर अब हमें इसमें r से मल्टीप्लाई करना है तो अगला पद मिलेगा, तो ये a इंटू r हो जाएगा। तो ये हुआ तीन पदों को मानने का तरीका। उसके मान तो आप कुछ भी सकते हैं दोस्तों, मगर ऐसा ये स्टैंडर्ड तरीका, इससे मानने से आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत सहूलियत होगी, बहुत ही आराम से आसानी से आपका जवाब आ जाएगा। चार पदों का अगर हमें चयन करना है दोस्तों, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, चार है, चार में से एक घटाओ तीन, तो a बटे आर क्यूब ले लो भाई, a बटे में आर क्यूब ले लो। अब सिंपली r से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये हो जाएगा a बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर r से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा दोस्तों? a बाई आर हो जाएगा। और फिर r से मल्टीप्लाई करूं तो अगला पद क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। आगे बात समझ में दोस्तों। तो देखिए इस तरीके से भी आप मान सकते हैं मेरे भाई, इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मेरे भाई देखिए, अगर मैं पांच पदों का चयन करूं मेरे भाई, कितने पदों का? पांच पदों का। तो हमें इसमें क्या करना है? आप कुछ भी मान सकते हैं, बस मैं आपको तरीका समझा रहा हूं। देखिए पांच पदों का चयन करना है तो पहला ले लीजिए ए बटे में आर स्क्वायर, चलिए ऐसे ही करके दिखा देता हूँ। आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? ए बटे में आर। फिर से आर मल्टीप्लाई करिए, ए हो जाएगा। फिर अगले में आर मल्टीप्लाई करिए तो ए आर हो जाएगा। और अगला फिर इसमें आर से मल्टीप्लाई करिए तो ए आर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं मेरे भाई, क्लियर है दोस्तों? तो देखिए कितनी आसानी से हमने आपको समझा दिया, और आई होप आपको समझ में तो आ ही गया होगा। तो देखिए दोस्तों ये तरीका है मानने का। इसमें बहुत सारे लोग चार पदों में क्या करते हैं, आर स्क्वायर अगर ले लो तो देखो यहाँ सिर्फ आर हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ फिर आर ए आर हो जाएगा, यहाँ ए आर स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे भी आप कर सकते हैं। बस सिंपल मैंने आपको समझाया कि तीन पद, चार पद, पांच पद रहे तो आप किस तरीके से इसे मान सकते हैं। बस दोस्तों जीपी का कंसेप्ट ये है। अब आइए मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में लेकर चलता हूँ, ताकि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे वो भी तो इसी वीडियो में आपको दिखाना है। तो चलिए दोस्तों आइए चलते हैं कुछ जबरदस्त क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों टाइप वन से एकदम शुरू करते हैं बेसिक से, और आज इस वीडियो में मैं आपको लगभग सारे के सारे टाइप बताने जा रहा हूं दोस्तों, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 40, 40 के बाद 80, डॉट 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 कहा गया कि इसका आठवां पद क्या होगा।
तो दोस्तों बहुत क्लियर सी चीज है। देखिए अगर मैं यहाँ सिंपली देखूं, ये 10 गुना 20, ये 20 गुना 40, ये 40 गुना 80, यानी दो दो से मल्टीप्लाई करके हम जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चार तो यहीं पर हो गया, 5, 6, 7, 8, 8वां पद 2 से मल्टीप्लाई करके मैं इजिली निकाल सकता हूँ। मगर दोस्तों क्या हर बार परीक्षा में आपको ऐसा ही बेसिक 8पद 9पद क्वेश्चन मिलेगा? नहीं ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए जब भी एनवा पद कोई पूछा जाए तो आपके पास फॉर्मूला मैंने बताया TN=A×R^(n-1), यही तो हमें करना है ना दोस्तों। ए यानी कि पहला पद कितना है, ए बराबर 10 है, हमने बिठा दिया। आर कॉमन रेशियो कितना है, तो कॉमन रेशियो यानी आर निकालने का फॉर्मूला है बाद वाला पद यानी दूसरा पद बटे पहला पद, तो 10 गुना 20 यानी देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो 2 हो गया। और एन का मान कितना यहाँ पूछा जा रहा है, 8, यहाँ 8 माइनस 1 कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों ये हो गया 10×2^7, 2^7 128 होता है, 10 से मल्टीप्लाई करिए यानी 1280। तो देखिए दोस्तों ये आपका आंसर आ गया। तो मेरे बच्चों जब ऐसे कुछ छोटे क्वेश्चन है ना, 5वां पद 8वां पद और छोटे छोटे डिजिट हो, तो आप इसे मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं और वैसे ही करना एग्जाम में। मगर दोस्तों जब आपको पूछ दिया गया 25वां पद क्या होगा, 40वां पद क्या होगा, तो बिना इस फॉर्मूले के आपको बनाने में काफी दिक्कतें आएंगी। तो देखिए उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये टाइप 1 था। तो देखिए दोस्तों योगफल वाला फॉर्मूला यानी टाइप 2 आ गया है। कहा गया है कि अगर एक श्रेणी है 1, 2, 4, 8 करके ऐसे 10 पदों तक लिखा जाए तो उसका योग। तो सबसे पहले देखिए ए बराबर यहाँ आपको 1 मिल गया है, आर यानी कि कॉमन रेशियो देखिए तो दूसरा बटे पहला यानी कि 2×1=2 मिला है। और जो मेरे दोस्तों क्या है, यहाँ आर इज ग्रेटर देन 1 है, तो आपसे सम पूछा गया, पदों का योग पूछा गया, तो योग का फॉर्मूला मैंने बताया था, जब आर इज ग्रेटर देन 1 होगा तो फॉर्मूला होता है A×R^(n-1) पूरे का बटा में R-1। सिंपली यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, ए का मान 1, आर का मान हो गया 2 और 10 पद कहा गया है तो 10 हो गया यहाँ पावर में -1/10-1। तो अब देखिए दोस्तों अब कितनी आसानी से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। 2×10 कितना होता है, 1024। उसमें से दोस्तों यहाँ देखिए आर का मान, माफ कीजिएगा 10 नहीं है, यहाँ आर का मान कॉमन रेशियो यानी 2 है, तो 2 में से 1 गया, 1 ही होगा नीचे। आइए देखिए 1024-1 यानी कि हो जाएगा 1023। तो देखिए 2×10 तक याद रखने से आपको इन सभी क्वेश्चंस को बनाने में और भी जल्दी होगी दोस्तों। आगे बात समझ में क्लियर है दोस्तों? इसमें तो आप लिख कर जोड़ करके निकालने से अच्छा है कि आप डायरेक्टली यहाँ से वर्बली निकाल लोगे। क्लियर है दोस्तों? तो ये टाइप 2 था दोस्तों। बस टाइप को अच्छे से देखिए, समझिए, इतना में ही ये चैप्टर आपके लिए काफी हो जाएगा ये वीडियो, और आपको किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन है, इसे समझिएगा। कहा गया है कि 1+1/2+1/4 ।infinity तक इसका सम बताइए। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों सीरीज अगर हमें चेक करना है तो यहाँ देखिए ए का मान 1 हो गया, आर का मान मैंने बताया था दूसरा पद बटे में पहला, तो 1/2/1 यानी कि हो गया 1/2। अब देखिए क्या सब में 1/2 से मल्टीप्लाई किया? जी हाँ बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सीरीज है किसमें है, जीपी में है। और अनंत तक का योग पूछा गया यानी समेशन ऑफ अप टू इन्फिनिटी का आपको मान निकालना है, इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है, तो फॉर्मूला क्या था, ए बटे में 1-r। तो ए का मान 1 है, 1-r का मान 1/2 है, तो 1/2 यानी कि हाफ ही हो गया, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो गया, 2। तो देखिए कहा गया है इसका अनंत तक का समों का पदों का योग क्या होगा मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा, 2 ही आएगा। क्लियर है दोस्तों? तो ये देखिए ये सबसे बेहतरीन तरीका था इस क्वेश्चन को बनाने का। आइए दोस्तों टाइप 4 की ओर हम लोग चलते हैं। कहा गया है कि 3 और 27 का गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य का मतलब होता है दोस्तों ज्योमेट्रिक मीन। अभी मैंने बताया था ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला कि जो भी दो संख्याएं दी गई हैं उन्हें रूट के अंदर गुणा करके लिख दीजिए, वही उसका गुणोत्तर माध्य हो जाता है। तो 27 या 81 का रूट करिए कितना आ गया, 9। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि 3 और 27 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा मेरे बच्चों, 9 होगा। क्लियर है? कैसे समझोगे? तो 3 में 3 से गुणा करो तो 9, 9 में 3 से गुणा करो 27, यानी बीच में संख्या क्या आएगी, 9। तो ऐसे बड़े बड़े संख्या एग्जाम में आपको दे दी जाएंगी जिसका गुणोत्तर माध्य पूछा जाएगा, तो आपको बस दोनों संख्याओं को गुणा करके स्क्वायर रूट कर देना है। आ गई बात समझ में दोस्तों? तो देखो टाइप 4 भी हमने आसानी से सीख लिया। आइए चलते हैं अगले टाइप्स की ओर। तो देखिए दोस्तों बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है टाइप 5 जो परीक्षा में आया हुआ है। देखिए कहा गया किसी जीपी का यानी गुणोत्तर श्रेणी का
तीसरा पद आपको दिया गया है चार है, तो तीसरा पद T3 निकालने का फॉर्मूला क्या है, a इंटू आर टू दी पावर n माइनस वन, n यानी कि तीसरा पद, यानी हम लिख सकते हैं दोस्तों 3 माइनस 1। तो देखिए ये तीसरा पद कितना दिया है, 4, यानी कि T3 का जगह 4 ये हो गया a इंटू आर स्क्वायर। तो यानी देखिए तीसरा पद कितना है, ए आर स्क्वायर, तो इसका मान आपको 4 दिया गया है। तो कहा गया उसी जीपी के प्रथम 5 पदों का गुणनफल, गुणनफल आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे बच्चों अगर मैं बोलूं कि तीसरा पद ए आर स्क्वायर हमने निकाला है, तो इससे एक पहले का पद क्या होगा, ए आर होगा, इससे एक पहले का पद क्या होगा, ए होगा। सीधी सी बात है ना भाई, समझ में आ रहा है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि तीसरा पद यानी इधर बाई तरफ जाएंगे तो भाग देते हुए जाएंगे और आगे जाएंगे तो गुणा करते हुए जाएंगे, तभी तो आएगा ना। तो देखो ए आर स्क्वायर था आपका तीसरा पद, तो दूसरा क्या होगा, इससे आर गुणा कम होगा तो आर से भाग दे दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ए आर, फिर आर से भाग दे दीजिए तो ए हो जाएगा। तो ये तीसरा पद, ये दूसरा, ये पहला, तो चौथा और पांचवा पद आपको निकालना है। तो इसमें आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए आर क्यूब हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें आर से तो ए आर टू दी पावर 4 हो गया। अब देखिए दोस्तों आगे बात समझ में, अब मैं इसे हटा दे रहा हूँ, आई होप आपको इतने में तो समझ में आ गया होगा। तो देखिए दोस्तों अब अगर मैं कहा जा रहा है इनका गुणनफल ज्ञात करें, अगर मैं इन सभी पदों को गुणा कर दूं तो देखिए हमें क्या मिलता है, 1, 2, 3, 4, 5 ए मिल रहे हैं टोटल 5, और आर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। तो देखो ए आर ए टू दी पावर 5 इंटू आर टू दी पावर 10 हमें मिल गया। अब देखिए दोस्तों हमें ए आर स्क्वायर का मान पता है, तो इसे हम ए आर स्क्वायर के रूप में बदलते हैं। तो ए आर स्क्वायर के रूप में अगर हम इसे बदल दे तो पूरे का पावर अगर हम 5 लगा दे तो देखिए हो गया ना ए टू दी पावर 5 और 5 × 10 आर टू दी पावर 10। तो देखिए ए आर स्क्वायर का मान हमें कितना पता है, 4। तो यहाँ पर अगर मैं 4 बैठा हूँ और पावर 5 कर दूं तो 4 का पावर 5 हो जाएगा, तो 4 का पावर 5 भी आपको याद होना चाहिए कितना हो जाएगा, 1024, यानी 2 का पावर 10 हो गया तो कितना होता है, 1024। तो देखिए दोस्तों ये सब आपको बनाते बनाते याद हो जाएगा कि 4 का पावर 5 कितना होता है, 2 का पावर 10 कितना होता है। तो ये देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इसे सॉल्व किया है, तो इसे अच्छे से समझिएगा दोस्तों। आइए चलते हैं अगले टाइप की ओर। तो देखिए दोस्तों आरआरबी भुवनेश्वर का क्वेश्चन है टाइप 6। अब ऐसे भी क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिल सकते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ कहा गया है 3√3 1……… श्रेणी के nवें पद का मान 143 है, 1/243 है, माफ कीजिएगा 1/243 है। तो पहले तो हमें ये चेक करना ना दोस्तों कि श्रृंखला आखिर है किसमें। तो देखिए दोस्तों अगर पहला पद यहाँ पर मैं ले लूँ कि ये कितना 3 है, आर का मान जरा देखिए क्या किया जा रहा है, दूसरा पद बटे में पहला, तो देखिए √3 से यहाँ डिवाइड कर दूं तो 1/√3 हो गया। फिर देखो इसमें अगर मैं 1/√3 को से अगर इसमें सेकंड वाले मल्टीप्लाई करूं तो देखो 1 आ रहा है, यानी कि ये सीरीज जो है किसमें दोस्तों, जीपी में है, किसमें है, जीपी में, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो कहा जा रहा है nवें पद का मान, अब आप बताइए nवां पद का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको कि n टर्म का फॉर्मूला होता है Tn = a × r^n-1, यही ना फॉर्मूला हमने बताया था आपको दोस्तों। तो देखिए nवां पद कितना है, 1/243, तो हमने यहाँ लिख लिया, सिंपल कैलकुलेशन है, a का मान 3 है, r का मान देखिए 1/√3 है, और पूरे का पावर क्या है दोस्तों, n-1, यानी यहाँ से आपको n का मान निकालना है। तो चलिए n-1 हम लोग निकाल लेंगे। अब देखिए दोस्तों सीधी सी चीज है, 1/243 है, तो इसे जरा सा आप सोचिए कि इसे आप कितना का, कि 3 का कितना पावर 243 होता था, 3 का पावर 4 = 81 होता है, फिर 3 के पावर 4 = 81 होता है, उसमें अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें यानी 3 का पावर 5 कितना होता है, तो देखिए मैं 243 यहाँ लिख दिया। अब देखिए दोस्तों ये एक 3 है, इसे जरा सा मैं इंडिसेस का प्रयोग करता हूँ, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1/√3, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 अगर ऊपर लिख दूं तो पावर में क्या होगा, -1 होगा, और ये n-1 होगा, ये पूरे का पावर क्या हो जाएगा, n-1। इतना तो अपन कर ही सकते हैं, देखिए एकदम स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ। इसे अगर ऊपर ले जाऊं इंडिसेस का प्रयोग करिए तो 3 का पावर -5 हो जाएगा, है ना दोस्तों, यहाँ पर 3 है। अब देखो ये रूट को अगर मैं हटाऊं तो पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट हटाते हैं तो पावर क्या हो जाता है, 1/2, तो 3 का पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2, और -1 है तो -1/2, और -1/2 से n-1 में गुणा करें तो क्या होगा, -n/2 -+1/2। तो देखो अब सब 3 में बदल गए हैं। अब देखिए थोड़ा सा दोस्तों ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस ये कॉमन रेशियो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा आ जाता है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, मगर इससे घबराने की कोई बात नहीं।
3^-5 है, देखिए ये भी 3, ये भी 3, इसका पावर 1 है, अगर मैं सबको ऐड करूं तो क्या आ जाएगा, 3^(1 - n/2 + 1/2) यही ना आएगा दोस्तों। तो अब देखिए 1 में से 1/2 घट गया तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 1/2, तो 3^(1/2 - n/2) आ गया। अब देखिए इंडिसेस से बेस कट जाएगा, दोनों तरफ सेम है तो हो गया -5 = 1/2 - n/2। अब इधर मैं इसे ला दूं, इधर थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा मैंने जानबूझ के किया, देखिएगा, ताकि एक एक पार्ट आप समझ सके, 5 × 10 = 10 और 1 = 11 -11/2 = n/2 आ जाएगा। तो देखो 2 कैंसिल हो गया मेरे बच्चों, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर आपका मान कितना आएगा, थोड़ा सा लग रहा है मुझे कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ी हुई है दोस्तों, क्योंकि इसका आंसर 11 तो ऑप्शन में है ही नहीं हमारे पास, है ना दोस्तों। तो आइए चलिए पहले मैं इसे थोड़ा चेक कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों जो मिस्टेक हुआ था मैंने ढूंढ लिया है, थोड़ा सा माफ करिएगा गलती के लिए, देखिए कभी कभी कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो जाती है। तो देखिए यहाँ लिख देता हूँ 3^-5 है, इसे मैंने रब कर दिया है। देखिए अगर अब देखिए यहाँ पर जो हम लोगों ने पावर लिखी लिया है और बेस सेम है तो हम इसे काट सकते हैं, तो हो गया -5 = 1 - n/2 + 1/2। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर क्या करना, 1 को इधर ला देंगे तो -5 - 1 हो जाएगा -n/2 + 1/2। अब देखिए ये कितना हो गया -6, और इधर अगर मैं एलसीएम ले लूं तो देखो 2 हो गया, तो ये हो गया -n + 1 हो गया, ये इधर आएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा, तो देखिए ये वाला आपका हो जाएगा 6 × 12 यानी -12, क्लियर है दोस्तों। तो अब यहाँ से जरा सा ध्यान दीजिए, बराबर -9 + 1, ये 1 इधर आएगा ऐड हो जाएगा तो -13 = -n, ये कट गया यानी n बराबर आ जाएगा 13, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। यही हमने वहां थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, घटा दिया था, जो कि ये तो ऐड होता ना दोस्तों, ये गलती हो गई थी। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि आपको एनवा पद का मान दे दिया जाएगा और वो जानबूझ के आपको बटा में यानी थोड़ा फ्रैक्शन में दिया जाएगा ताकि आपको कॉम्प्लिकेशन आए कैलकुलेशन करने में, मगर दोस्तों रणभूमि मैथ्स है, डरने का नहीं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, टाइप 7, कहा गया एक जीपी श्रेणी है और इस सीरीज को थोड़ा सा दे दिया गया और कहा गया इसके कितने पदों का योग 120 होगा, यानी समीशन n पदों का योग आपको दे दिया 120, तो फॉर्मूला बिठाइए a × r^n - 1 पूरे का बटा r - 1। मेरे बच्चों यहाँ सावधान रहिएगा, 1 - r भी हो सकता है, पहले आपको r निकालना पड़ेगा रेशियो। तो देखिए दूसरा पद बटे में पहला, तो ये कैंसल हो गया यानी 3 हो गया, जो 1 से बड़ा है तो r इज ग्रेटर देन 1 है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ऐसे आपको चेक कर लेना है। तो a का मान देखिए यहाँ पर दे दिया गया है मेरे भाई 3, ठीक है, और r का मान आपने अभी निकाला यहाँ पर 3 है, और कितने पद हमें पता नहीं, -1, r का मान है 3 - 1, और इसका सम कितना दिया है 120, 3 में से 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 240/3 हो जाएगा बराबर 3^(n-1). तो देखिए कितना हो जाएगा, 3×24 = 0, 8×80 = 81 / 3^n। अब बताइए 3^4 = 81 कहते हैं, 3^n है, ये कैंसिल काटते नहीं है मगर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो n का मान कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 4, यानी चौथा 4 पदों का योग इस ये दिए गए जीपी सीरीज के 4 पदों का योग 120 होगा। तो देखिए दोस्तों कितना मजेदार कंसेप्ट था, ट्रिक था, तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो देखिए ये लगभग 7-8 टाइप के प्रश्न आपको जीपी से पूछे जाते हैं लगभग हर एग्जाम में, तो आई होप आपको मजा आएगा दोस्तों इस वीडियो को देखने पर, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट प्लस आपको उस कंसेप्ट पर आधारित एग्जाम वाले क्वेश्चन भी मैंने करा दिए। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा दोस्तों, जो नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।